फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा और सुंदर सा इजी सा डिजाइन लेके आई हूँ। बिल्कुल न्यू डिजाइन है, बहुत ही इजी है बनाने में। तो इसको बुनने के लिए मैंने यहाँ पे ये नॉर्मल ओसवाल कंपनी की वूल ली है। अगर आप इसको वर्धमान ओसवाल रैबिट गंगा में बुनना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 10 नंबर की सिलाई यूज कीजिए। और आप इसको बुनना चाहते हैं 3 तार वाली 3 प्लाई वाली वूल में तो आप वहाँ पे स्टार्टिंग से ही 9 नंबर की सिलाई यूज कीजिएगा, तो डिजाइन बहुत ही प्यारा सा बन के आएगा और बनाना बहुत ही आसान है। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारा सा डिजाइन हमारा ये बन के आया है। किसी भी प्रोजेक्ट में डालिए, देखिए आप इसको लेडीज कार्डिगन में डालिए, लेडीज जैकेट में डालिए, जेंट स्वेटर में डालिए, बेबी स्वेटर में डालिए, गर्ल्स फ्रॉक में डालिए, गर्ल्स कुर्ती में डालिए, स्टोल में डालिए, किसी में भी डालिए। बहुत ही सुंदर सा हमारा ये डिजाइन बन गया और बनाना बहुत ही आसान है। और अगर आप जो मैंने ये नीचे स्कैलप बॉर्डर डाला हुआ है, अगर आप इसी बॉर्डर को बुनना चाहते हैं तो इस बॉर्डर की वीडियो को मैंने चैनल पर पहले से अपलोड किया हुआ है, आप वहां से ओपन करके इसको देख सकते हैं। तो देखिए, जितना देखने में सुंदर है बनाने में उतना ही आसान है। केबल डिजाइन भी डला हुआ है और जाली पैटर्न भी डला हुआ है, बहुत ही प्यारा सा डिजाइन है। तो इस डिजाइन को बुनने के लिए हमें 14 के मल्टीपल फंदे लेके और 7 फंदे प्लस करेंगे। जैसे 14 गिनिएगा, फिर से 14, लास्ट में आपके 7 फंदे रहने चाहिए, तो डिजाइन बहुत ही अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाएगा। राइट साइड से डिजाइन बनना शुरू होता है और 4 सिलाइयों में बन के कम्प्लीट हो जाता है। अगर आपने किसी प्रोजेक्ट में फंदे बढ़ाने हैं तो आप फंदे बैक साइड से बढ़ा लीजिएगा, बैक साइड से ये इस तरह से नजर आएगा। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन है और बनाना बहुत ही आसान है, सिर्फ 4 सिलाइयों में बनके डिजाइन कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि ये डिजाइन कैसे बनाया गया है। तो इस डिजाइन को बुनने के लिए मैंने यहाँ पे ये 14 के मल्टीपल 28 प्लस 7 टोटल 35 फंदे मैंने लिए हैं। तो देखिए इसको अब हम कैसे बनाएंगे। एच स्टिच फंदा है, उल्टा बनाएंगे, फिर एक फंदा फिर से उल्टा बनाएंगे, धागे को पीछे करेंगे। अब देखिए, जो ये केबल डिजाइन डला हुआ है इस डिजाइन को हम डालेंगे, तो इसके नीचे वाले होल से सिलाई डाल लेंगे और ऐसे फंदा लूप का बनाएंगे ऐसे, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3, 3 फंदे सीधे बनाने के बाद फिर सेम इसी होल में से सिलाई डाल लेंगे ऐसे, यहां से ऐसे लूप का फंदा बनाएंगे और फंदे को थोड़ा सा लूज रखेंगे, इसको टाइट नहीं होने देंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर धागा पीछे करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 3 फंदों का एक फंदा ऐसे बनाएंगे, आगे से सिलाई डाल लेंगे और 3 का 1 सीधा फंदा बनाएंगे। तो देखिए 3 का 1 बनाने के बाद हमारे यहाँ पर 2 फंदे कम हुए, तो 2 जाली डालेंगे, ऐसे फंदा धागा करेंगे और सीधा फंदा बनाएंगे, 1 जाली डल गई, फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, सीधा फंदा बनाएंगे, 2 जाली डल गई। तो यहाँ पर हमारे 3 का 1 किया तो 2 फंदे कम हुए, तो 2 जाली हमने डाल ली, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से जाली डाल लेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से फंदे को लेंगे ऐसे पलटेंगे और इनका 3 का 1 बनाएंगे। तो देखिए 3 का 1 यहाँ पे किया, 3 का 1 यहाँ पे किया, तो 2 फंदे यहाँ कम हुए, 2 यहाँ कम हुए, तो बीच में ये 4 जाली हमारी डल गई। अब फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, 1 फंदा उल्टा बनाएंगे। अब देखिए यहाँ से एच स्टिच को छोड़ के, 2 फंदों को छोड़ के यहाँ से यहाँ तक ये 14 फंदों का डिजाइन है, इसी को फिर से रिपीट करेंगे। तो धागा पीछे करेंगे, अब फिर केबल वाला डिजाइन डालेंगे, तो ये 3 फंदे हैं जो इस बीच वाले फंदे के नीचे वाले होल से सिलाई डालेंगे और ऐसे फंदा लूप का बनाएंगे। अब ये 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर इसी होल से सिलाई डाल लेंगे ऐसे और लूप का फंदा बना लेंगे, फिर
फिर इस फंदे को थोड़ा सा लूज रखेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे, अब फिर इन तीन फंदों का एक फंदा आगे की साइड से ऐसे सिलाई डाल के तीन का एक बनाएंगे। तो दो फंदे कम हुए, धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर दो जाले डालेंगे, फिर धागा अपनी तरफ, फिर से जाले डालेंगे। तो ये दो फंदे तीन का एक किया, तो दो फंदे हमारे यहाँ पर कम हुए, तो दो जाले डाल के फंदे फिर से बढ़ा दिए, फिर धागा अपनी तरफ, फिर जाले डालेंगे, फिर धागा अपनी तरफ, इस फंदे को लेंगे, ऐसे पलटेंगे और बैक लूप से ऐसे तीन का एक बनाएंगे सीधा फंदा। तो देखिए यहाँ पर तीन का एक हुआ, यहाँ पर हुआ, तो दो फंदे यहाँ कम हुए, दो यहाँ कम हुए, तो बीच में चार जाले डाल के फिर से फंदे इक्वल हो गए, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, अब फिर केबल वाला डिजाइन डालेंगे। तो ये तीन फंदे हैं जो इस बीच वाले के नीचे वाले होल से, जो बॉर्डर के साथ में होल है, इसमें से सिलाई डालेंगे और ऐसे लूप का फंदा बनाएंगे। फिर ये तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, फिर से ऐसे पकड़ेंगे और इसी होल में डालेंगे सिलाई और फिर से लूप का फंदा बनाएंगे। इस फंदे को थोड़ा सा लूज रखेंगे, ज़्यादा टाइट नहीं होने देंगे। फिर एक फंदा उल्टा, ये एच स्टिच है, इसको भी उल्टा बनाएंगे। तो राइट साइड से फर्स्ट रो बन के कम्प्लीट हो। अब आ जाइए रॉन्ग साइड में, यहाँ से पूरी सिलाई हमारी उल्टी बन के आएगी। ऐसे पूरी सिलाई को हम उल्टा बनाएंगे, सिर्फ जो फंदे हमारे लूप के हैं इन फंदों को हम स्लिप करेंगे। स्लिप किया, फिर से एक दो तीन, फिर से स्लिप किया, अब फिर बीच के फंदे फिर उल्टे बनाएंगे। जो केबल वाले ये फंदे लूप के हैं इन फंदों को स्लिप करेंगे, पूरी सिलाई को उल्टा बनाएंगे। तो अब आ जाइए राइट साइड थर्ड रो में, तो देखिए एच स्टिच फंदा उल्टा बनाएंगे, एक फंदा और उल्टा बनाएंगे, धागे को पीछे करेंगे, अब ये लूप वाले फंदे को ऐसे उतार लेंगे, फिर एक फंदा सीधा बनाएंगे। अब जो ये लूप वाला फंदा है इसको ऐसे लेंगे और इसके ऊपर से ऐसे गिरा देंगे, फिर एक फंदा सीधा। अब ये एक फंदा लूप का है और एक फंदा सीधा है, इनका आगे की तरफ से दो का एक बनाएंगे ऐसे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा। जो ये केबल डिजाइन डला हुआ है इसके दोनों तरफ एक एक फंदा उल्टा गैप के लिए बनाया गया है, धागा पीछे करेंगे, अब ये नौ फंदे सीधे, जिन फंदों में हमने जाले डाले थे वे नौ फंदे अब हम सीधे बना लेंगे। चार पाँच छ सात आठ और नौ, नौ फंदे सीधे बनाए गए, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, अब ये लूप वाला फंदा है और बीच में तीन फंदे सीधे हैं, तो लूप वाले फंदे को ऐसे लेंगे यहाँ से और इसको उतार लेंगे, फिर फर्स्ट फंदे को बुनाएंगे, इस लूप वाले को इसके ऊपर से ऐसे गिरा देंगे, फिर बीच वाला फंदा सीधा। अब ये सीधा फंदा ये लूप का, इनका दो का एक आगे की तरफ से करेंगे, धागा अपनी तरफ, फिर से एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर से ये नौ फंदे सीधे बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ और नौ, ये नौ फंदे जो जाली वाले थे इनको सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, अब ये लूप का फंदा ऐसे स्लिप करेंगे और फर्स्ट फंदे को ऐसे बना के इसको इसके ऊपर से ऐसे गिरा देंगे, फिर बीच वाले फंदे को सीधा बनाएंगे, अब ये एक फंदा सीधा, एक लूप का आगे से सिलाई डाल लेंगे और दो का एक करेंगे, धागा अपनी तरफ, फिर से ये एक फंदा उल्टा, एच स्टिच भी उल्टा ही बनाएंगे। तो थर्ड रो बन के कम्प्लीट हुई। अब आ जाइए इसकी फोर्थ रो में, रॉन्ग साइड में, यहाँ से इस पूरी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बनाएंगे, कोई फंदा स्लिप नहीं करेंगे, ऐसे पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बना लें। तो देखिए फोर्थ रो हमारी रॉन्ग साइड से बन के कम्प्लीट हुई, चार सिलाइयों का डिजाइन था, डिजाइन हमारा कम्प्लीट हुआ।
एक बार मैं आपको फिर से डाल के दिखा देती हूँ ताकि दोबारा डालने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये एच स्टिच है, उल्टा एक फंदा फिर उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे। अब देखिए जो ये तीन फंदे हैं ये हमारे केबल डिजाइन के हैं, तो फंदा निरल के ऊपर है, इसके नीचे होल एक दो तीन और चार, फोर्थ होल में सिलाई डाल लेंगे बीच वाले फंदे के और ऐसे लूप का फंदा बनाएंगे। फिर तीन फंदे सीधे दो तीन, अब फिर इसी यहाँ उंगली रखेंगे और इसी होल से फिर से लूप का फंदा बनाएंगे। इस फंदे को थोड़ा सा लूज रखेंगे ताकि हमारा केबल डिजाइन अच्छे से बन के आए। धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा, धागा पीछे फिर से तीन का एक करेंगे, आगे से सिलाई डाल लेंगे ऐसे और तीन का एक फंदा सीधा बनाएंगे। धागा अपनी तरफ दो फंदे कम हुए तो फिर से दो जाली डालेंगे, तो जो फंदा यहाँ पे हमारे दो कम हुए जाली डल के फिर से फंदे बढ़ गए। फिर धागा अपनी तरफ एक जाली डालेंगे, फिर धागा अपनी तरफ इस फंदे को लेंगे ऐसे पलटेंगे और बैक लूप से तीन का एक बनाएंगे ऐसे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे एक फंदा उल्टा। तो देखिए फ्रेंड्स ये एच स्टिच फंदे एक दो, इन दो फंदों को छोड़ के ये हमारा 14 फंदों का डिजाइन है, तीन फंदों की केवल एक फंदा, ये चार और नौ फंदे हमारे बीच में हैं जाली पैटर्न के, एक फंदा फिर गैप का, टोटल 14 फंदों, इन दो को छोड़ के इन्हीं को फिर से रिपीट करेंगे। धागा पीछे, अब ये केवल डिजाइन के फंदे हैं तो इसके बीच वाले फंदे के नीचे फोर्थ होल में सिलाई डाल लेंगे ऐसे फंदा बनाएंगे। फिर ये तीन फंदे सीधे बनाएंगे एक दो तीन, यहाँ पर उंगली रखेंगे फिर इसी होल से सिलाई डाल लेंगे और लूप का फंदा बना लेंगे। यहीं से ही सिलाई डाल लेंगे और लूप का फंदा बनाएंगे ऐसे। इस फंदे को थोड़ा सा लूज रखेंगे, धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, अब फिर तीन फंदों का एक फंदा आगे से बनाएंगे सीधा फंदा। दो फंदे कम हुए तो दो जाली फिर से डाल देंगे एक, धागा अपनी तरफ फिर जाली डालेंगे। तो देखिए जो दो फंदे कम हुए वही जाली डल के बढ़ गए, फिर से दो जाली डालेंगे एक एक, फिर धागा अपनी तरफ इसको लेंगे ऐसे पलटेंगे और ये बैक लूप से तीन का एक सीधा फंदा बनाएंगे। तीन का एक यहाँ पे किया, तीन का एक यहाँ पे, दो फंदे यहाँ कम हुए, तीन का एक किया दो फंदे यहाँ कम हुए, तो बीच में चार जाली हमारी डल गई। धागा अपनी तरफ करेंगे एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, अब ये केबल डिजाइन है, इसके बीच वाले फंदे के इस फोर्थ होल में यहाँ पर सिलाई डाल लेंगे और फंदा लूप का बनाएंगे। फिर तीन फंदे सीधे एक दो तीन, यहाँ पर उंगली रखेंगे इसी होल से फिर से फंदा लूप का बनाएंगे ऐसे। धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा और ये एच स्टिच उल्टा। तो देखिए डिजाइन को मैंने दोबारा से स्टार्ट करके दिखा दिया। जब आप इन चार चार सिलाइयों को रिपीट करेंगे तो आपका भी इस तरह से बहुत ही प्यारा सा और सुंदर सा डिजाइन ये बन के आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स जितना देखने में सुंदर है बनाने में उतना ही आसान है, 4 रोज का पैटर्न है। जब आप ये चार चार सिलाई रिपीट करेंगे तो आपका भी इसी तरह से डिजाइन बन के आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6, मैंने 6 बार इस डिजाइन को रिपीट किया है और देखिए बहुत ही प्यारा सा डिजाइन ये बन के आया। तो देखिए फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये डिजाइन पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारा ये डिजाइन कैसा लगा। थैंक यू।